बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। मैं हमेशा बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, ख़ानदान के आगे पीछे भागना पड़ता है, दफ्तर के कामों में आगे पीछे भागना पड़ता है और फिर अपने शौक़ को भी वक्त देना होता है। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे जल्दी जल्दी अपने इन तमाम कामों में कुछ बैलेंस कर सकूँ, या बहुत जल्दी जल्दी इन तमाम कामों को अंजाम भी दे सकूँ, या कोई नया काम भी ऐड कर सकूं। तो इसकी कोई रेसिपी ढूंढते रहते हैं हर वक्त हम में से जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग होंगे। तो ये मेरे ख्याल में कोई एक आधी चीज़ है जो अगर हम कर लें, जो ऐड कर लें या कोई सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे ख्याल में एडिशन ही है, तो अगर हम वो कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनका जिक्र तमाम लोगों की डेली ख्वाहिशात जैसे कहते हैं विश लिस्ट के अंदर होता है तो वो करेक्ट हो सकती हैं। दिमागी तोज़ुन और उसके जो जैसे कहते हैं वो बैलेंस रहे, हमारा ब्यूटी भी बैलेंस रहे और ब्रेन भी बैलेंस रहे। सो ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला काम जो है ये ख्वाहिश सबकी होती है। खैर, अब जब तमाम लोगों की दिलों की ख्वाहिश हमें पता लग गई है तो सबसे पहले जो करने वाली चीज़ है, मेरे ख्याल में सबसे पहले नहीं करने वाली ही वही चीज़ है, करने वाली एक चीज़ है कि हमें बेस्ट सबसे है ना वो करने वाला काम, वो है एक्सरसाइज। ये रेसिपी है मेरे ख्याल में उन तमाम चीज़ों को बैलेंस आउट करने की, उन तमाम चीज़ों को एक ही जो कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी पर रख के खूबसूरती से सर अंजाम देने की, कि दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा चलते रहे। इफ़ यू वर्क इन एन ऑफिस, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वॉक करें आप, वो मीटिंग्स का ज़्यादा हिस्सा मत बने जो लंबे घंटे तक चलती है। और अगर आपको उस मीटिंग का हिस्सा बनना है, उनकी प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो बैठे बैठे मत दें, खड़े हो जाएं, इधर उधर चलते फिरते रहें, वॉक करते हुए आंसर क्वेश्चन का सेशन जो है वो वॉक करते हुए करें। सो मुझे लगता है कि हमेशा तो हमने सीट पर बैठे नहीं रहना, तो ट्राई कि आप अपना डेली ऑफिस जहां भी आप काम करते हैं उसकी एनवायरनमेंट के अंदर आप इतना जो वर्कलोड है उसको इस तरह से डिवाइड करें कि आपको डेली उठकर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो खड़े होके गुजारें। आप जो डेली पानी पीने जाना चाहते हैं तो आप बेल देते हैं, यार पानी दे जाना, कॉफ़ी दे जाना, नहीं, गेट अप गो, खुद जाके वो कॉफ़ी लें, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हम बैलेंस कर सकते हैं। अब ये है कि हमें दिन में किस वक्त वर्जिश करने की ज़रूरत है, एक ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि यार ये हमने करना है या नहीं करना। कोई ख़ास वक्त अगर आपने नहीं भी बनाया हो तो जैसे मैंने आपको कहा कि वॉक करने वाले काम करना शुरू कर दें, स्टेयर्स लें, लिफ्ट लेना बंद कर दें, मीटिंग के दरमियान चलते फिरते रहने से ब्रेन जिसे कहते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक डोपामीन इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, डोपामीन एक वो जिसे कहते हैं हमारे जेहन में पाया जाने वाला खुलिया है कि जिससे आपकी तमाम इमोशनल कनेक्ट, परफॉर्मेंस कनेक्ट, जो मस्बत चीज़ें होने वाला इफेक्ट होता है ना उसे कहते हैं डोपामीन इफेक्ट। ये आपकी ज़िंदगी में होगा, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहेंगे आप।